मैं कुशवाहा एकेडमी से, आज हम लोग सीखेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट में, कॉलेज में काम कर रहे हैं या कोई कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे जितने भी स्टाफ होते हैं उनका आईडी कार्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है। और ये सीखेंगे कि इंडिविजुअल नहीं, हम लोग मल्टीपल आईडी कार्ड बनाएंगे एक ही बार में, ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों को चाहिए स्टाफ का फोटोज, ठीक है, उनका डेटा और एक वर्ड फाइल, ठीक है। तो सपोज ये आपका एक्सेल फाइल है जिसमें डेटा है, ठीक है ना। इसमें क्या क्या फील्ड है, सीरियल नंबर, नेम, डेजिनेशन, सिटी, स्टेट एंड आईडी नंबर, एंड देन यहाँ पे फोटो को लिंक करना होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे कि फोटो रखे कहाँ हैं, ये चेक करेंगे कि हम लोग फोटो कहाँ रखे हैं। तो इस फोटो पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस फोटो पे क्लिक करने के बाद इसका जो बार दिखा रहा है इसको हम लोग कॉपी करेंगे, कॉपी करके इसको इसमें पेस्ट करेंगे, देन हम लोग लिख देंगे प्लस अमित, जो उसका नाम है, फोटो का नाम है डॉट जेपी जी, ठीक है, डॉट जेपी जी। अब इसको हम लोग सब में पेस्ट कर देंगे, सब में पेस्ट कर देंगे, ठीक। अब इसका रीनेम कर लेंगे, क्योंकि देखिए जो सेकेंड नाम है अमित टू, ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ है नेम फाइल का अमित टू, तो हम लोग इसका रेफरेंस दे देंगे टू। इसी तरह हम लोग इसका थ्री थ्री दे देंगे, इसका फोर दे देंगे, इसका फाइव दे देंगे, नेक्स्ट सिक्स एंड देन सेवन एंड देन एट, ओके। तो ये हम लोगों ने फाइल नंबर दे दिया। अब देखिए इसमें जितना स्लैश लगा है उसको डबल स्लैश करेंगे, तो कंट्रोल एफ करेंगे, स्लैश फाइंड करेंगे, देन वी विल रिप्लेस बाय द डबल स्लैश, ठीक है। अब देखिए ये एक बार में हो गया। अब ये हमारा एक्सेल डेटा रेडी है, एक्सेल डेटा हमारा रेडी है। अब चलेंगे हम लोग वर्ड फाइल में, जैसे ये वर्ड फाइल है, ठीक है, ये वर्ड फाइल। अब ये बनाने के लिए, ये आईडी कार्ड कैसे बनाते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ कैसे बनाते हैं। एक दूसरा फाइल लेते हैं, यहाँ पे सपोज यहाँ पे क्रिएट करते हैं, ठीक है, वर्ड। नेक्स्ट हम लोग इंसर्ट पे जाते हैं, इंसर्ट पे टेबल डाल देते हैं, 3x3 9, ओके। उसके बाद हम लोग इसका रिसाइज करते हैं, रिसाइज करने के लिए लेआउट में जाएंगे और इसको फिट करेंगे पेज टू फिट, ठीक है ना, रिसाइज करते रहेंगे, ओके। अब ये देखिए 9 आईडी एक पेज में आ गया, ठीक है, 9 आईडी एक पेज में आ गया, इसको सेंटर कर देंगे, ठीक। अब इसको हम लोग प्रॉपर्टी में जाएंगे, प्रॉपर्टी में इसमें रो में जाएंगे, यहाँ पे एग्जैक्ट कर देंगे कि कोई फिर चेंजेस ना हो। टॉप में जाएंगे टेबल में और वहाँ पे ऑप्शन में जाके इसको ऑटोमेटिकली रिसाइज 10, इसको हटा के अनचेक करके ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखिए पे प्रॉपर्टी में जाके इसको फिक्स करेंगे, ठीक। देखिए एटलीस्ट, ठीक, ये फिक्स हो गया, ठीक।
सेम वैसे ही अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, डिज़ाइन के लिए, आईडी कार्ड का डिज़ाइन के लिए हम लोग यहाँ से एक शेप लेंगे। सपोज ये शेप लिया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। इसका हम लोग यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेंगे, जो कलर चाहिए वो यहाँ पे राइट क्लिक करके इस पे बॉक्स पे कर्सर ले जाके राइट क्लिक करेंगे, एंड देन एड टेक्स्ट। एड टेक्स्ट में हम लोग लिखेंगे कुशवाहा, सॉरी कुशवाहा, कुशवाहा एकेडमी। ओके, इसका थोड़ा सा फॉन्ट कलर हम लोग लेके और इसका साइज बड़ा कर देंगे, थोड़ा सा विजिबल। ओके, इसको सेंटर में कर देंगे, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे इसका। सेम इसको हम लोग कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, इसको नीचे लेकर आएंगे, यहाँ फिट कर देंगे, ठीक। यहाँ पे हम लोग इसको चेंज करके करेंगे एट रेस। ओके, अभी यहाँ पे एड्रेस की जगह पे हम लोग डेली डाल देते हैं, ठीक है। लेट्स पुट, ओके। अब यहाँ पे हम लोगों को आईडी कार्ड का नाम लिखेंगे, आईडी कार्ड, ठीक है। इसको हम लोग सेंटर में कर देंगे, थोड़ा सा सेंट्रल लाइन थोड़ा सा बड़ा कर देंगे कि अच्छा से दिखे, ठीक। बोल्ड करेंगे यहाँ पे। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे एक और टेबल डालना है जिसमें हम लोग फोटो एडजस्ट करेंगे, ठीक है। सपोज ये आपका टेबल हो गया, ठीक है। अब सेम इसका भी प्रॉपर्टी पे जाएंगे हम लोग लेआउट में, लेआउट में फिट विथ फिक्स करके प्रॉपर्टी में जाएंगे, इसका कॉलम एग्जैक्ट करके टेबल में जाएंगे ऑप्शंस में, ठीक। अब देखिए इसका प्रॉपर्टी में जाके इसका रो को फिक्स करेंगे एग्जैक्ट, ठीक। देखिए अब इसका आगे नहीं जा रहा, अब इसको हम लोग अलाइन कर देंगे सेंटर में। इसमें हम लोग फोटो डालेंगे, दूसरा फिर एक लेंगे टेबल जिसमें हम लोग लिखेंगे आईडी, आईडी आईडी नंबर नेम देन डेजिनेशन पोस्ट या डेजिनेशन जो भी है, लेकिन से पोस्ट इसके बाद सिटी सिटी। ओके, इसको भी हम लोग फिक्स कर देंगे, इसका लेआउट में जाएंगे, इसका विड्थ फिक्स कर देंगे, एंड देन प्रॉपर्टी में जाके इसका एग्जैक्ट कर देंगे, इसके बाद इसका बॉर्डर जाएंगे, बॉर्डर में नॉन बॉर्डर कर देंगे,
ओके करेंगे। ओके कर देंगे, बॉर्डर हट गया। अब यहाँ से हम लोग बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग मेल मर्ज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मेल मर्ज स्टार्ट करने के लिए हम लोग को डेटा लेना होता है, जो एक्सेल में ये डेटा किस लोकेशन पे वहाँ से पिक करना होता है, और यहाँ से हम लोग ओके कर देंगे, ठीक है। अब देखिए जितना भी फील्ड हमने डाला है सारा आ गया। अब आईडी कार्ड पे आईडी नंबर देन वी विल पुट नेम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे डेजिनेशन, उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे सिटी। ओके अब देखिए अब ये एक ही पे आ रहा है, एक ही आईडी कार्ड अभी तक बना है, हम लोगों को मल्टीपल बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, लेवल में जाएंगे। ओके उसके बाद यहाँ से ओके करने के बाद इसको कर रहा है कि इसका फॉर्मेट चेंज करना है, आप बोलो नहीं, ठीक। देखिए आप एक्टिव हो गया, लेवल अपडेट ऑल सारा आ गया। ऐसे हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए फोटो लाना है, ठीक है। तो ये हम लोग बना दिए, अब चलते हैं वहाँ पे। ऐसे आईडी कार्ड बनाते हैं, अब हम लोग फोटो लिंक करेंगे। कैसे लिंक करते हैं हम आपको बताते हैं, कैसे लिंक करते हैं। यहाँ पे ये देखिए Alt Control 9, यहाँ पे पिक्चर है, ठीक है। तो इस पिक्चर को हम लोग हटा देते हैं। एंड देन इसको जाके एक बार फिर से सेलेक्ट कर लेते हैं एग्जिस्टिंग डेटा थ्रू द मेल मर्ज डेटा एपीआई। ओके मैं दोबारा करके दिखा दे रहा हूँ, एक बार और लेवल को सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके करके इसका फॉर्मेट नो कर देंगे, चेंज ना हो, इसको अपडेट कर दिए। अब देखो कैसे पिक्चर को लिंक करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कंट्रोल F9 प्रेस करेंगे, आपको कर्ली ब्रेस आ गया। अब इसमें हम लोग लिखते हैं इनक्लूड पिक्चर, इसमें स्पेस नहीं देते हैं, उसके बाद स्पेस देके इनक्लूड पिक्चर एक साथ होता है, देन डबल इनवर्टेड कॉमा, और उसके बीच डबल इनवर्टेड कॉमा में हम लोग क्या प्रेस डालते हैं यहाँ पे फोटोज, ठीक है। देखिए अब गायब हो गया, टेंशन लेने कोई जरूरत नहीं, अब अपडेट ऑल में कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग फिनिश करेंगे, मेल मर्ज फिनिश करेंगे। यहाँ पे हम लोग सारा डेटा लेते हैं, ठीक है। देखिए मेल मर्ज हो गया, आपका टोटल कितना डेटा आ रहा है 3339 टोटल, लेकिन हम लोगों का डेटा कितना है 80 है। हम लोगों ने जो एक्सेल फाइल बनाया है इसमें डेटा कितना दिया है, इसमें डेटा हम लोगों ने 8 दिया है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे 9 बॉक्स बना हुआ है, तो 9 होना चाहिए, यहाँ पे फोटो 8 है तो वहाँ पे 8 ही दिखाएगा, 9 जो होगा वो ब्लैंक रहेगा, ठीक है। तो देखिए 9 में कुछ नहीं आ रहा है, कोई नाम नहीं आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फोटो लाने के लिए कंट्रोल ए करेंगे एंड देन F9 प्रेस करेंगे। देखिए फोटो आ गया, और एक सिंस हम मैंने एक ही फोटो डाला हुआ है, इसका अलग अलग नाम लिखा हुआ था, एक फोटो आ रहा है, एक ही सब में दिखाई दे रहा है। ये आप अलग अलग फोटो डाल सकते हैं, मैंने बस एग्जांपल के लिए शो किया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग
आईडी कार्ड बनाते हैं। अब नेक्स्ट कोई वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।